सुशील कुमार मोदी को बिहार की राजनीति में हारी हुई बाजी को जीतने वाला बाजीगर कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बिहार के ऐसे कद्दावर नेता हैं जो हारी हुई बाजी को भी जीत लेने का जज्बा रखते हैं। सुशील मोदी का जन्म 5 जनवरी 1952 को पटना में हुआ था। इनकी माँ रत्ना देवी और पिता मोतीलाल मोदी थे। सुशील मोदी की प्रारंभिक शिक्षा पटना के सेंट माइकल स्कूल में हुई और इसके बाद उन्होंने पटना के बीएन कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। सन 1987 में सुशील मोदी की शादी मुंबई की जेसी जॉर्ज से हुई, जिससे उन्हें 2 पुत्र हुए, उत्कर्ष और अक्षय। दिसंबर में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने अपने इंजीनियर बेटे उत्कर्ष की शादी बिना दान दहेज और ऐसे साधारण तरीके से की जिसने समाज में एक मिसाल कायम कर दिया। 1962 में सुशील मोदी ने आरएसएस की सदस्यता ली। 1968 में उन्होंने आरएसएस का अधिकारी प्रशिक्षण कोर्स ज्वाइन किया और मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने संघ के विस्तारक की भूमिका में काम किया। उन्होंने पटना महानगर में कई स्थानों पर संघ की शाखाएं शुरू करवाई। बाद में वो पटना के संध्या शाखा के इंचार्ज भी बने। सुशील कुमार मोदी अपने विद्यार्थी जीवन में ही राजनीति में आ गए थे। एमएससी की पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर सुशील जेपी आंदोलन में कूद पड़े। 1990 में सुशील मोदी पूरी तरीके से राजनीति में रम गए और पहली बार पटना केंद्रीय विधानसभा से चुनाव लड़ा, जो कुम्हरार के नाम से जाना जाता है। 1990 में सुशील मोदी भाजपा बिहार विधायक दल के मुख्य सचेतक बने। 1996 से 2004 तक बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। 2004 में भागलपुर से सांसद चुने गए। इस दरमियान 2000 में जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में अल्पमत वाली सरकार बनी तो सुशील मोदी उसमें संसदीय कार्य मंत्री बने। 2000 में उन्होंने बिहार से विभक्त झारखंड राज्य का समर्थन भी किया। जब 2005 और 2010 में बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बने। बीच में ही यह गठबंधन टूट गया, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में जब जदयू के नीतीश कुमार और राजद के लालू प्रसाद के साथ मिलकर भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही तो भी सुशील मोदी हताश नहीं हुए। उन्होंने लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इस सरकार पर वार जारी रखा। अंततः सुशील मोदी के प्रयास से महागठबंधन टूटा और एक बार फिर से बिहार में एनडीए 3 की सरकार बनी और सुशील मोदी तीसरी बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने और आज तक इस पद पर कायम है। धन्यवाद।